ठाकुर जी, मोहल्ले की हर गली में लगे हैं ये पोस्टर। पहले तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों ने ही छपवाए होंगे वो पिछली बार की तरह, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप शरीफ लोग अपनी रेट क्यों पिटवाएंगे। कांता, ठीक है, मुझे ये बताओ किस कमीने की हरकत है ये? हाथ पैर ना तोड़ दिए तो मेरा नाम रवि नहीं। देखो जाई जी, देखो अपने अखा की पट्टी उतार के देखो, आपकी लड्डू के कामयाबी के किस्से चांदनी चौक की पूरी दीवारों पर चिपके। फक्र से सीना चौड़ा हो गया ना आपका। देखो उसकी कामयाबी, देखो बेटा, पैसे में चाहे हम मजबूत ना हो लेकिन इज्जत बहुत कमाई है। ले देकर यही तो एक पूंजी है तेरे बाप के पास, लेकिन आज आज वो लड़की अरे बाजार तेरे बाप की इज्जत का जनाजा निकाल कर चली गई। पापा जी हौसला रखो, सब ठीक हो जाए। बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई है, जा रहे ना आगरा, हम मैक से बात करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, किसी की साजिश है इसमें हमारी मैक को बदनाम करने की। नहीं बेटा, नहीं, कोई साजिश नहीं है। क्या साजिश करेगा कोई, क्या साजिश करेगा? अरे जब घर का चिराग ही घर को आग लगाने में उतारू है तो कोई क्या करेगा। कितना मना किया था कांता ने कि मैं तो आगरा नहीं जाएगी, अरे सुनी किसी की, चली गई ना बिना बताए। अरे क्या मुंह लेकर मैं घर से बाहर जाऊंगा, क्या मुंह लेकर। पापा जी मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। इस मसले को हम दोनों भाई संभाल लेंगे। पानी पियो। सुनो जी, आगरा के लिए निकलते हैं, बहुत हो गया खिलवाड़। जी संभालना, चलो। बाबा सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। क्या बना रहे हो तुम? वेट, चावला जी। यस सर। क्या खिला रही हैं आज आप? सर हैदराबादी बिरयानी विद पाइनएप्पल रायता। अरे वाह क्या बात है। महक, कम से कम एक बार चाहूंगा कि तुम्हारे बिना बताए तुम्हारी डिश गेस कर पाऊं। ये क्या है? सर ये रंग बिरंगी पूड़ियां हैं जिसे मैं चीकू की चटनी के साथ सर्व करूंगी। चीकू की चटनी? कुछ ज्यादा मीठी नहीं हो जाएगी? नहीं सर, एक्चुअली उसमें मैं मिंट और अजवाइन और नमक से उसको करूंगी तो वो उसकी मिठास थोड़ी कम हो जाएगी। Great. And साथ में करेले की सब्जी? नहीं सर, मैं करेले की स्वीट डिश बना रही हूँ। उसे मैंने सोप करके 30 मिनट के लिए रख दिया था और उसके बीजे निकाल दिए थे जिससे कि उसकी सारी कड़वाहट निकल जाए। स्वीट और उसके बाद? उसके बाद इसको मैं चाशनी में डालूंगी और चॉकलेट सॉस और ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दूंगी। वाओ दैट्स ग्रेट, करेले की स्वीट डिश, इट्स अमेजिंग।
श्योर है? एक बात बताओ, सांप को देखकर दुनिया इधर उधर भागती है, हाइड हो जाती है, मगर एक नेवला ही है जो सामने से आकर सांप से भिड़ता है। तुम्हारी कहानी का ये मतलब है कि सांप मैं हूं, राइट? जहरीला, डेंजरस, और पुरानी दिल्ली से पकड़ के लाए हो तुम इस नेवले को, हाँ, मुझे टक्कर देने के लिए, राइट? बिल्कुल सही, तुमने इतनी ट्रिक्स आजमा ली उसे परेशान करने के लिए, उसका ध्यान भटकाने के लिए, बट वो एक के बाद एक नई डिश बनाती जा रही। क्या स्पिरिट है यार, मैं तो फैन हो गया। लिसन, स्पिरिट नहीं, इनका मिडिल क्लास अंबिशन है। अरे जिल्लत, लात, घूस, गाली कुछ भी दे दो इन लोगों को, फ्री समझ कर रख लेते हैं मिडिल क्लास। देख मानसी, ना टीवी चलाना, ना घर से बाहर निकलना, ना किसी को घर में आने देना। इस वक्त जितना दुनिया के सामने आएगी ना, उतना लोग जख्म पूरे देंगे, समझी? वही तो, एक काम कर, तू हमें होटल के बाहर मिल, देखते हैं हमारी बेटी से मिलने से कैसे रोकते हैं वो लोग हमें। आ रहे हम। ये भूखे नंगे नहीं, भूखो नंगों से ज्यादा एम्बिशियस और लालची होते हैं मिडिल क्लास। प्लीज श्योर, तुम उसके टैलेंट के डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। उसने हर राउंड में नई इनोवेटिव डिश बनाई। आज से पहले कभी सुना था कद्दू के पकौड़े, मटर के छिलके की खीर या करेले की स्वीट डिश? और उसके कभी ना हार मानने वाली स्पिरिट के पीछे का राज उसका टैलेंट ही है। मानना पड़ेगा, बिल्कुल टैलेंट तो है। महक शर्मा का असली टैलेंट उसका शातिर दिमाग है। I'm sure ये कहीं ना कहीं से डिशेस के आइडिया जरूर चुराती है। ये डिशेस उसकी माँ की है। लिसन राजीव, उसकी माँ की हूँ या इटली में बैठी किसी बूढ़ी अम्मा की, क्या फर्क पड़ता है? Even I don't care। दुनिया ना बहुत बड़ी है मेरे भाई, या इंटरनेट पे गूगल करके चंद सेकंडों में तुम किसी भी देश की रेसिपी निकाल लो यार, और फिर बोल दो कि मेरी माँ की रेसिपी है, तो प्लीज। बोलो मुकीजा। तो न्यूज़ तो देखी होगी आपने, प्राइम टाइम में फीचर्स कर रहे हैं आप। मेरे सोर्स ने बताया कि पोस्टर छपे हुए हैं आपके और मैक के पुराने दिल्ली में, मिलते ही आपके पास पोस्टर दिलवाता हूँ। कीप अप द गुड वर्क। सरकार ने नए नोट निकाले हैं, तुम्हारे बैंक अकाउंट में भिजवा देता हूँ। बाय। गुड आफ्टरनून मिस्टर गंभीर। नो इट इज नॉट, देयर इज नथिंग गुड अबाउट दिस आफ्टरनून शॉर्ट। मैं मिस्टर कटाफे के साथ बैठा हुआ हूँ और ये तुम पर भड़के हुए हैं। क्यों सर, अमीन ऐसा क्या हो गया? डील की सारी प्रेपरेशंस कर चुका हूं मैं। शेयर मार्केट में स्टॉक भी ऊपर जा रहा है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तुमने आज की न्यूज नहीं देखी शार्दुल। यू आर द टॉक ऑफ द टाउन शार्दुल, लेकिन बहुत जल्द एक डोप बन जाओगे। कैन फूड कंपनी है और अपने इंडिया लॉन्च के लिए तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं।
सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तुम इंडिया के सबसे यंग और सक्सेसफुल फूड एंटरप्रेन्योर हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी बिजनेस इमेज पॉजिटिव है। इन्हें अपने डिसीजन पर डाउट हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं सर आप? इट्स अ मल्टी मिलियन डॉलर डील। आई मीन मैं एस्क्रो में, लैंड में, रजिस्ट्री में, सब में इन्वेस्ट कर चुका हूं। एंड दिस न्यूज, इट्स ऑल क्रैप। सर, लड़कियों से मेरा नाम जोड़ना ये मीडिया का सबसे फेवरेट टाइम पास है। ये मेरा मेरे कंटेस्टेंट के साथ सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशन है। कि कल तक ये न्यूज बंद हो जाएगी और वो जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ना ले जिससे हम दोनों की कंपनीज को बहुत भारी लॉस हो। सर, ये डील होनी ही चाहिए, प्लीज मिस्टर गंभीर। शौर्य, तुम्हें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जब तक मेरे क्लाइंट्स का सक्सेसफुली इंडिया लॉन्च नहीं हो जाता, खासकर इस टाइप के चीप स्कैंडल से। What the hell? I'm sorry. Please understand. What is this, Mr. Gambhir? I'm so sorry. This is too much. This will not happen again. Please calm down. Please sit down. सबसे बड़ी डील तेरी आंखों के सामने। कहीं ऐसा ना हो तो कोड़ी की लड़की की वजह से ये डील तेरे हाथ से निकल जाए। हाँ मखीज, सुन। फोन उठाओ शौरी, कहाँ बिजी हो गए हो बेटा? बिजी होगा अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ। मुझे ना अब समझ में आ रहा है कि ये लड़की शौर्य के शो में इतना अच्छा कैसे परफॉर्म कर रही है। साइड बेनिफिट्स जो दे रही है, इसको कहते हैं स्मार्ट गर्ल। हेलो एक्स मिस चेली, ये योगा, फिटनेस, साइज जीरो फिगर, इन सब का क्या फायदा? तुम्हारा एक्स किसी और के साथ फिक्स हो रहा है। मुझे तुम पे ना बहुत तरस आता है। एक टाइम था जब शौर्य खन्ना तुम्हारी मुट्ठी में हुआ करता था। उससे शादी करके तुम इंडिया के सबसे हॉट बिजनेस टाइकून की वाइफ, ओ सॉरी, ट्रॉफी वाइफ बन सकती थी। पर ये बैड लक फिर बुलाया जाता है। डार्लिंग, आई फील पिटी फॉर यू। डोंट यू वरी मदर इन लॉ, शौर्य ने छोड़ा तो आपका प्यारा बेटा विक्की जो मिल गया। फिकर तो आपको करनी चाहिए ना। जिस दिन शौर्य ने अब ये घटिया बातें सुनकर आपको इस घर से बाहर निकाल दिया, तो कहां सड़कों पे भटकती फिरती रहेंगी इस बुढ़ापे में। बट डोंट यू वरी, हाँ आपकी प्यारी बहू रानी है ना, मैं आपको किसी ओल्ड एज होम में एडमिट करवा दूंगी विक्की से कह के। तेरे क्या औकात है जो मुझे ओल्ड एज होम भेजेगी? यू चीप गोल्ड टिकर। माइंड योर लैंग्वेज मदर इन लॉ। माइंड योर लैंग्वेज। हाँ चुप हो जाओ तुम दोनों। सॉरी, फोन उठा। अरे मॉम रिलैक्स करो यार,
and as always, झूठी बकवास दिखा रहे हैं टीवी पर. And you know, मेरा टेस्ट इतना खराब तो नहीं हो सकता कि मैं उस घटिया गवार को डेट करूंगा. एनीवे, मैं फोन रखता हूँ. टेक केयर. तो फ्रेंड्स, 3 मिनट हैं आप लोगों के पास. फाइनल टच दीजिए अपनी अपनी डिशेस को. हरि आप. क्या बात है महक शर्मा, आजकल तुम न्यूज में हो? नहीं, आई मीन बड़े बड़े लोग तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे हैं. जब काम मन से किया जाए तो पूरी दुनिया बात करती है आपके बारे में. तुम हमेशा से यही तो चाहती थी, राइट? कि पूरी दुनिया तुम्हारे बारे में बातें करे. और इस शो पे आके तुमने अपनी सारी मिडिल क्लास ख्वाहिशें जो पूरी कर ली है, राइट? सिर्फ 60 सेकेंड्स, 1 मिनट है आप लोगों के पास. पास. मुझे बहुत काम है, अब बकवास मत करो. Only 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Now, tasting time. Oh, ये रे यार, ये रे. हाँ, वो रे सामने. रोक 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 रोक. चलो जल्दी बैठो, बैठो. जल्दी करो. तो फ्रेंड्स, अब टाइम है रिजल्ट्स का. देखते हैं नेक्स्ट राउंड, यानी कि सेमीफाइनल राउंड में कौन कौन जाएगा और कौन जाएगा घर वापस. तो हमारी थर्ड फाइनलिस्ट है कृष्णा श्मित. कंग्रेचुलेशन मिस्टर श्मित, आप भारत साथ नेक्स्ट राउंड में जा रहे हैं. नाउ सेकेंड सेमीफाइनलिस्ट, वो है मिसेस चावला. कंग्रेचुलेशन मिसेस चावला जी. And now, अब हमारे बीच बचे हैं 2 कंटेस्टेंट, जिनमें से एक सेमीफाइनल राउंड में जाएगी और एक वापस घर. इनमें से कौन है वो, मिस रेहा या फिर मिस महक? कौन है जो हमारे साथ सेमीफाइनल राउंड में जाएगी? अब मैं फाइनल नाम अनाउंस करने जा रहा हूं. हमारे फर्स्ट सेमीफाइनलिस्ट हैं कौन है जो हमारे साथ सेमीफाइनल राउंड में जाएगी? अब मैं फाइनल नाम अनाउंस करने जा रहा हूं. और वो है मिस महक. सिक्योरिटी 1200 रुपए की सिक्योरिटी हमें रोक नहीं पाएगी. क्या कर रहे हो तुम लोग? और मुझे तो मिस महक शर्मा, आपकी फैमिली ने यहाँ के मेरे शो का रूल तोड़ा है और मेरे प्राइवेट सिक्योरिटी कास्ट का हद उठा कर लॉ. मैं आपकी फैमिली को जेल करवा दूंगा. और आपको इस शो से बाहर.
अभी इसी वक्त नहीं गए यहाँ से तो। ऐश्वर्य बहुत हो गई तेरी धमकी। हाँ और तू बहुत फायदा उठा लिया तूने मेरे प्यार का। ओके चाचा हुआ क्या है? मतलब I'm sorry, मैं ऐसे घर से बिना बताए आ गई। पर चाची पर हुआ ऐसा कि क्या हुआ? मतलब, हुआ क्या है? जी थी हुआ क्या है? ये हुआ है